हेलो एवरीवन, देखा आपने आज एक फिर एक युवक की पूरी लाइफ चेंज हो गई सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं हमेशा इस चीज़ पर जोर देता हूँ कि आपका जो भी टैलेंट है उसको ज़रूर सोशल मीडिया पर अपलोड करो, लोगों को दिखाओ, क्योंकि आज जो दुनिया है वो सोशल मीडिया की दुनिया है। आज हम बात करते हैं बिहार के अमरजीत जयकर की, जिसने अपने टैलेंट का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आज पूरा देश उसको मान रहा है, उसकी तारीफें हो रही हैं हर जगह। अमरजीत जयकर जो बहुत साधारण परिवार से आता है, उसके पापा का सैलून है, वो वेटर का काम करता है, और मतलब बहुत परिस्थिति खराब थी। उसने एक बार बताया जाता है कि आज तक पे इसकी न्यूज भी चली थी कि उसने 6,000 रुपये कमाए, उसने घर के लिए गैस का चूल्हा लिया और मम्मी को दिया। उसके पहले उसके घर में मिट्टी के चूल्हे पर काम करते थे। तो आप समझ सकते हैं कितने मध्यम परिवार से आता होगा ऐसा व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई यूट्यूबर नहीं है, इंस्टाग्रामर नहीं है, उसके बावजूद उसने अपना एक वजूद खड़ा किया, दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, जो टैलेंट था उसको पहुंचाया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये पॉसिबल है, पर ज़्यादातर लोग आज उनके पास टैलेंट होता है, आप देखते हो कि भिखारी है, भिखारियों के पास बहुत अच्छा गा रहे होते हैं, कोई ट्रेन में बहुत अच्छा गा रहा होता है, पर पैसे मांग रहे हो आप, फिर उसकी उनकी वीडियो बना के हम लोग या यूट्यूबर्स हैं अपलोड करते हैं तो उन्हें रिकग्नाइज किया जाता है। आप खुद भी ये कर सकते हो, सोशल मीडिया का सही उपयोग करो। रील्स देखना नहीं है, रील्स बनाना भी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपके पास जो भी टैलेंट है, आपके पास कोई नॉलेज अच्छी है, आप करंट अफेयर अच्छा पढ़ाते हो, आपका टैलेंट गाने का अच्छा है, आप डबिंग अच्छी करते हो, जो भी है, पर अपलोड करो, उस टैलेंट को सही यूज करो। आप पढ़ाई के साथ साथ आप अदर एक्टिविटी में, जैसे रील्स आप देखते हो उस समय रील्स बनाओ ना, कैसे मैं बना सकता हूँ, मेरी एक्टिविटी क्या है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको अपलोड करो, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। इससे क्या होता है, हमें इंटरव्यू की तैयारियां होती हैं, हमें बोलने का तरीका समझ में आता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। उसको आपको यकीन नहीं होगा, अमरजीत जयकर जो बिहार का रहने वाला है, आज उसको सोनू सूद ने अपनी आने वाली मूवी में गाने के लिए ऑफर किया है। सोचो कैसे उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई ना। एक मध्यम परिवार से आने वाला व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, वेटर का काम करता था, आज पूरे देश में उसकी वीडियोज वायरल हो रही हैं मात्र सोशल मीडिया की मदद से। ये एक दिन का काम नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि आप आज आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, क्या पता आप एक साल तक वायरल ना हो, पर एक टाइम पर आएगा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप जरूर पहचाने जाओगे, दुनिया आपको मानेगी। बस आप टैलेंट को पहचानो कि टैलेंट है क्या, किस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। कोई डबिंग अच्छी करता है, कोई कुछ अच्छा करता है, तो आपके पास जो टैलेंट है उसका यूज करो, सोशल मीडिया का यूज करो, और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी को देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम सब कुछ अपलोड करते हैं, तो जुड़े रहें मुझसे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।